मॉर्निंग अपन पढ़ रहे थे अवकल समीकरण, अपने बात की थी प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण को अपन किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड अपन ने पढ़ा था चरों के पृथक्करण की विधि, उसके बाद में अपने बात की थी समघात अवकल समीकरण की, रेखीय अवकल समीकरण की और बर्नौली के अवकल समीकरण की। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण है क्या, उसके बाद में सबसे पहले अपने चरों के पृथक्करण की विधि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड काम में लेना है, फिर अपन समघात अवकल समीकरण चेक करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे रेखीय अवकल समीकरण और बर्नौली के अवकल समीकरण की। अगर उनमें से कोई भी तरीका नहीं लगता है तब अपन चेक करके देखेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, ये था अवकल समीकरण तो नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है यदि किसी अवकल समीकरण को उसके व्यापक हल से बिना किसी विलोपन के केवल अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सके। शुरू में अपने बात की थी जैसे कोई भी अगर व्यापक हल दिया हुआ उससे अगर अपने वो अवकल समीकरण बनानी होती है तो अपन क्या करते हैं सभी चरों का विलोप करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है जैसा व्यापक हल है उसका अवकलन करते अगर जाएंगे तो उससे क्या आ जाएगी अवकल समीकरण बन जाएगा। तो ऐसी समीकरण जिसको उसके व्यापक हल से बिना किसी विलोपन के केवल अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सके ऐसी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब बात यह आती है कि हम कैसे पता चलेंगे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो पहले बच्चों उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है जो भी अवकल समीकरण दी गई है उसके अपन एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो से कंपेरिजन करें। जो भी समीकरण दिया गया है उसके एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो से कंपेरिजन करेंगे जिससे अपने पास इसका मान आएगा एम का मान आ जाएगा एन का मान आ जाएगा। उसके बाद में अपने वो चेक करना है, उसके बाद में अपन डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल देंगे डेल एम अपॉन डेल एक्स निकाल देंगे। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों बराबर आते हैं तब जो दी गई समीकरण होती है वो क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है उसके से कंपेरिजन कर लीजिए जिससे अपने पास एम और एन का मान आ जाएगा, फिर एम का अपन क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एन का अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब जो दी गई अवकल समीकरण है वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसको एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, सबसे पहले अपन इससे कंपेरिजन करेंगे जिससे अपने पास एम और एन का मान आएगा, फिर एम का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हल करने का जो मेथड है सबसे पहले अपने वो निकालना है यू एक्स वाई। पहली स्टेप में अपन निकालेंगे यू एक्स वाई, यू एक्स वाई का होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को अचर मानते हुए एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे समाप्ति करेंगे, वाई को अचर मानकर एक्स के सापेक्ष समाप्ति करेंगे। जो भी इक्वेशन दी गई उसे कंपेरिजन करेंगे तो अपने पास एम का मान आ जाएगा, फिर अगर क्या करेंगे एम का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा यू एक्स वाई, वाई को अचर मानते हुए अपन क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष समाप्ति करेंगे। सेकंड स्टेप में अपन निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी यहां पे जो भी यू अपने पास आता है उसका वाई के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे एन में से डेल यू अपॉन डेल वाई को घटाएंगे, एन में से डेल यू अपॉन डेल वाई को घटाएंगे तब जो आएगा उसको अपन कहेंगे वी वाई। और हमेशा ये याद रखना है कि ये केवल वाई का फंक्शन ही अचर होना चाहिए, ये केवल वाई का फंक्शन होगा या अचर होगा, केवल वाई का फलन या कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अंदर अगर एक्स आ रहा है इसका मतलब कहीं नहीं अपन ने क्वेश्चन के अंदर गलती कर दी। फिर लास्ट स्टेप में फोर्थ स्टेप में अपन निकालेंगे वी वाई, ये जो वाई का फंक्शन आता है ये जो वाई का फंक्शन आता है इसको अपन कहेंगे एफ वाई। लास्ट स्टेप में निकालेंगे अपन ये जो वाई का फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको अपन कहेंगे वी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। अतः व्यापक हल कितना हो जाएगा, अतः व्यापक हल, व्यापक हल हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सी।
एक बार पहले बच्चों इसको अपन इस मेथड को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो भी समीकरण दी गई है उसके अपन mdx plus mdy बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे, जिससे अपने पास m का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। सब फिर सबसे पहले स्टेप में अपन निकालना है uxy। uxy का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। y को जमा करते हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए अपन m का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, जो आएगा उसको कहेंगे uxy। फिर u का अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यहां y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो आएगा उसको n में से घटाएंगे, n में से du / dy घटाएंगे, तब जो मान आता है वो हमेशा क्या आना चाहिए, y का फंक्शन या कांस्टेंट आना चाहिए, इसमें केवल y होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dy निकालेंगे, dy का जो y का फंक्शन आया उसका अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर uxy और dy यानी फर्स्ट और फोर्थ स्टेप दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तब क्या आएगा बराबर आएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा भी जाता है, तो कुछ क्वेश्चन अपन प्यारे बच्चों इस पर आधारित करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है y sin 2x dx माइनस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स डिवाइड। अब सबसे पहले तो एग्जाम में अपने को केवल ये लिखा हुआ है कि इसको सोल्व कीजिए, तो कौन से मेथड से सोल्व करना है, सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने देखेंगे इस यहाँ चरों में प्रत्यक्षण की विधि लग सकती है क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहाँ लग सकता है क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहाँ पर नहीं लग सकता क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अगर y का फंक्शन अलग हो जाए, x का फंक्शन अलग हो जाए, तभी वो मेथड इसके अंदर लग सकता है। फिर अपन ये देखेंगे कि ये समघात अवकल समीकरण है क्या, समघात नहीं है क्योंकि यहाँ पे y की घात 2 है जबकि यहाँ पे 1 ही है या कांस्टेंट है, तो इस समय ये समघात अवकल समीकरण भी नहीं है। फिर अपन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। फिर अपन चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे mdx + mdy = 0, इससे कंपेरिजन करेंगे, इससे अपने पास m का मान आएगा, n का मान आएगा। तो यहाँ अगर हम देखें mdx + mdy बराबर 0 से कंपेरिजन करें तो m = हो जाएगा y sin 2x, n = आएगा माइनस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, माइनस को साथ में लेना है क्योंकि इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो n = ये हो जाएगा, n = ये हो जाएगा, m का y के रिस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, n का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा sin 2x, n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो 0 बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y को कांस्टेंट मानेंगे ये 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस cos स्क्वायर x का करेंगे ये आएगा 2 cos x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin x cos x का, और इसमें क्या sin 2x। तो यहाँ पर देख रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों बराबर आ रहा है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर आ रहा है इसके डेल एन अपॉन डेल एक्स। अतः अपन ये कह सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है, अतः दी गई समीकरण ये यथातथ अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसके मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है वेरी इजी मेथड है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी गई है उसकी इससे कंपैरिजन करेंगे, जिसे m का मान आ जाएगा n का मान आ जाएगा, फिर अपन चेक करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब दी गई समीकरण क्या होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस टाइम में क्या करते हैं, uxy निकालते हैं, uxy का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, y को अचर मानते हुए x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो y को अचर हो गया, y ऐसे ऐसे रहेगा, sin 2x का समाकलन करेंगे आएगा माइनस cos 2x अपॉन ये सेकंड स्टेप में अपन निकालेंगे du अपॉन du, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहां से आएगा -1/2 cos 2x, y का अवकलन हो जाएगा,
थर्ड स्टेप निकालेंगे अपन a माइनस b टू ओपन b वन एन से डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव बता देंगे ये आ जाएगा माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ये बताएगा कितना प्लस वन बाई टू कोस टू एक्स इसको सॉल्व करेंगे वन और इसको एक साथ लिखेंगे तो यहां से माइनस एन कॉमन ले तो वन प्लस ये बनेगा वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू कोस टू एक्स कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन तो वहां से अपन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिख सकते हैं वन बाई टू कोस टू एक्स लिख सकते हैं तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू कोस टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस आएगा वन बाई टू कोस टू एक्स इस स्टेप से ही स्टेप कैंसिल हो जाएगा तो यहां से एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव आएगा माइनस वाई स्क्वायर जो कि हमेशा क्या आना चाहिए y का फंक्शन आना चाहिए अगर इसके अंदर x आता है तो इसको हम गेन भी अपन ने गलती कर दी फोर्थ स्टेप में अपन निकाल रहे हैं vy vy का मतलब होता है n माइनस डेल यू ऑफ होम डेल y का इंटीग्रेशन y के स्टेप में इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू ऑफ होम डेल y कितना हो गया माइनस y उसका इंटीग्रेशन कर ये बन जाएगा माइनस y क्यूब ऑफ होम अतः व्यापक हल कितना हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा अतः व्यापक होता है यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी यू एक्स वाई कितना हो जाएगा माइनस वन वाई टू वाई कोस टू एक्स वी वाई हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा सी ये इसका आंसर हो जाएगा एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं सबसे पहले जो भी समीकरण दिए गए उसकी अपन इससे कंपेरिजन करेंगे एम और एन का मान आ जाएगा फिर अपन चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले यू एक्स वाई निकालेंगे फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे फिर एन में से डेल यू अपॉन डेल वाई को कम करेंगे फिर वी वाई निकालेंगे फिर लास्ट में यू एक्स वाई और वी वाई को अपन जोड़ के लिख देंगे तो उसका आंसर आएगा इसी प्रकार पहले बच्चों एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है वाई अपॉन एक्स डी एक्स सबसे पहले अपने को ये देखने की और कोई मेथड लग सकता है अगर और कोई मेथड नहीं लग रहा है लास्ट में चेक करेंगे एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या पर एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए सबसे पहले अपन इसकी कंपैरिजन करेंगे एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर जीरो तो यहां अगर हम देखें तो एम बराबर टू कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स एम बराबर हो जाएगा वाई प्लस लॉग फोर एक्स सबसे पहले अपन निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई एम का वाई के साथ में आंशिक अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स एम का एक्स के साथ में आंशिक अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा लॉग फोर एक्स का हो जाएगा लॉग का हो जाएगा वन अपॉन फोर एक्स फोर एक्स का हो जाएगा फोर यहां से हो जाएगा वन अपॉन एक्स तो यहां हम देख रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एम अपॉन डेल एक्स दोनों बराबर है डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एम अपॉन डेल एक्स तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर आ रहा है डेल एम अपॉन डेल एक्स की इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है अतः बी ओपन सिंपल ये खाता था ओपन समीकरण अब सबसे पहले अपन निकाल के देखेंगे यू एक्स वाई सबसे पहले अपन निकालेंगे यू एक्स वाई का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम का एक्स के साथ एक समापन करेंगे वाई को अचर मानते हैं तो वाई को अचर
log m माइनस log n, log m अपॉन n हो गया। तो यहां से हो जाएगा y प्लस log n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा y प्लस log 4। dy का फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस डेल u अपॉन डेल dy। इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y का टाइम ये बनेगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस log 4, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y का। तो यहां पे u x y और v y दोनों को अगर जोड़ के लिखेंगे तब क्या आएगा इसका ग्राफ, तो ग्राफ अगर हो जाएगा u x y प्लस v y इज इक्वल टू c। u x y क्या आएगा y log x प्लस v y हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस y log इज इक्वल टू रेस केस करो। तो प्यारे बच्चों एक बार इसको दोबारा समझते हैं। सबसे पहले जो भी समीकरण दी गई उसकी इससे कंपैरिजन करेंगे जिससे अपने पास m और n का मान आएगा, फिर अपन चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस मेथड से उसको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास करके और पढ़ेंगे।